वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एडवोकेट अनुभव त्यागी और आज मैं बात करने वाला हूँ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सो ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। ये बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, हस्बैंड्स की तरफ से भी होती हैं, वाइफ्स की तरफ से भी होती हैं। सो ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये सिर्फ हस्बैंड्स ही फाइल कर सकते हैं या फिर वाइफ भी RCR की पिटीशन फाइल कर सकती है। सो इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, और अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सो सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो हर एक हस्बैंड और वाइफ के मैरिज में बहुत सारे राइट्स होते हैं और बहुत सारी उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर आपका जो स्पाउस है, इधर योर हस्बैंड और योर वाइफ, अगर वो आपको विदाउट एनी रीज़न आपके साथ नहीं रहते हैं, आपसे अलग रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ये राइट है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कि आप एक पेटिशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में टू इन्वोक योर कॉन्जुगल राइट्स, टू रेस्टिट्यूट योर कॉन्जुगल राइट्स। तो ये जो पेटिशन है ये हस्बैंड की तरफ से भी फाइल करी जा सकती है और वाइफ की तरफ से भी फाइल करी जा सकती है। दोनों के पास ही राइट होता है कि वो सेक्शन 9 के तहत एक पेटिशन फाइल करें और अपने जो कॉन्जुगल राइट्स हैं वो कोर्ट के डिक्री के थ्रू वो रेस्टिट्यूट करवा सकें और अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ में रह सकें। तो ये जो पेटिशन है इसका कितना फ़ायदा होता है और क्या क्या इसके जो हैं एक वो है नेगेटिव ग्राउंड्स क्या क्या हैं, क्या इनके इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्यों आपको ये फ़ाइल करनी चाहिए या क्यों आपको इस पेटिशन को फ़ाइल करने से बचना चाहिए। तो बहुत बार ये होता है कि बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि हस्बैंड्स की तरफ से पहला केस जो अपनी वाइफ के अगेंस्ट डाला जाता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। उसके बाद क्या होता है कि आपकी इंटेंशन तो होती है कि आपको अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना है, पर आप सोचते हैं कि अपनी आप एक बोनाफाइड इंटेंशन दिखाने के लिए कि भाई मेरी तो इंटेंशन ठीक है पर मेरी वाइफ ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसकी वजह से आप क्या करते हैं कि सेक्शन 9 में एक पिटीशन डाल देते हैं, पर आपकी असली इंटेंशन है आपको डिवोर्स लेना है। अब ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप जब पहले सेक्शन 9 की पिटीशन डाल देते हैं और उसके बाद आप डिवोर्स डाल देते हैं ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी, तो कोर्ट ये कहता है कि एक तरफ से तो आप कह रहे हैं कि भाई मेरे को अपनी वाइफ के साथ रहना है, उसके बाद आप कॉन्ट्रडिक्टरी बात ये कर देते हैं कि आप डिवोर्स की पिटीशन डाल देते हैं ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी। तो कोर्ट कहता है कि भाई वेन योर वाइफ इज़ बीइंग क्रूअल तो आप उसके साथ क्यों रहना चाहते हो, तो एक थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपना सेक्शन 9 का केस डाल दिया साथ और सामने से आपका जो स्पाउस है उनकी तरफ से काउंटर केस जो है फाइल हो जाते हैं, तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सेक्शन 9 की पिटीशन डालने के पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन है कि आपको अपने स्पाउस के साथ रहना है तो ही सजेस्टेड है कि आप सेक्शन 9 की पिटीशन डालें, और अगर आपका अल्टीमेट इंटेंशन ये है कि आपको अपने स्पाउस से डिवोर्स लेना है तो इट इज़ बेटर कि आप डायरेक्टली ही डिवोर्स डालें इंस्टेड ऑफ फाइलिंग योर सेक्शन 9 पिटीशन। क्योंकि अगर आप अपनी सेक्शन 9 की पिटीशन डाल देते हैं तो एक ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और आपको अल्टीमेटली डिवोर्स के लिए भी फाइल करना होगा। तो किसी भी तरह की ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए इट इज़ बेटर कि आप पहले अपनी इंटेंशन समझें और उसके अकॉर्डिंग ही आप ये पिटीशन